शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। भाई आज की जो हमारी वीडियो है ना, मतलब समझ लें एक तरीके से सेल्फ डिफेंस वीडियो है। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये होता है अपनी जिंदगी बचाना। भाई आप अपनी जिंदगी नहीं बचा सकते तो दूसरे की क्या जिंदगी बचाएंगे। असल मतलब इसका ये होता है, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि हमें अपनी जिंदगी बचानी है। एक सिचुएशन है आपके साथ, वो सिचुएशन कैसी है कि भाई आप जो है ना वो एक पांचवी मंजिल पे फंसे हुए, सही है। अब फायर फाइटर्स आए आपको बचाने के लिए तो आए, मगर आपको क्या करना है, छठी मंजिल पे जाना है बगैर सीढ़ियों के, तो यार आप कैसे जाएंगे सोचें। फायर फाइटर ने रस्सी फेंकी और कहा कि चढ़ के ऊपर आओ, तो जब आप उस रस्सी को ही नहीं चढ़ पाएंगे। अब एक और मिसाल इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, उसमें आपका कोई रिलेटिव ऐसा है कि वो छठी मंजिल के बीच वाले मंजिल में फंसा हुआ है और खिड़की से हाथ हिला रहा है, बोल रहा है मुझे भी बचाओ मुझे बचाओ मेरी भी जिंदगी है, रो रहा है वो बड़े बावलों की तरीके से ना। तो हमें उसकी भी जिंदगी बचानी है, अपनी भी जिंदगी बचानी है। जब आप रस्सी पे ही नहीं चढ़ पाओगे फायर फाइटर्स का क्या फायदा, आप आग लगी हुई है फायर फाइटर्स ऐसे थोड़ी हैं बगैर वो आग लगे हुए ऐसे घुस जाएं और आपको बचा के ऐसे ले जाएं। भाई आपको उन्होंने रस्सी फेंकी, आपको अपना सर्वाइवर मतलब खुद बनना है। अब आपने क्या करना है, रस्सी को चढ़ना है, रस्सी ऊपर जाना है। अब इसकी ट्रिक आज हम सीखेंगे कि रस्सी पे कैसे चढ़ना है। और हम वैसे तो अपनी जानों को बचाने का कोई फायदा तो है नहीं, हम अपनी जान तो वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं। मोबाइल पूरी पूरी रात मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं और लड़कियों की तस्वीरें देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, कोई फायदा नहीं हमारी जिंदगी का, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं। भाई अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें, हर चीज जो है ना हेल्थ से शुरू होती है। अगर आपके पास हेल्थ नहीं होगी ना पैसा होगा कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास हर चीज होगी, हर चीज दुनिया जान की आसाइश होगी, अगर आपके पास दुनिया जान की आसाइश होगी मैं कहता हूँ सेहत नहीं होगी ना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। भाई ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो आपको एक नजर आ रही होगी रस्सी नुमा एक जगह है, उसके ऊपर रस्सी भी और इसके ऊपर चढ़ के जाना है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई रस्सी है ना पांचवी मंजिल पे आप फंसे हुए, फायर फाइटर्स ने आपको रस्सी फेंकी है, इसको चश्मे को हटाते हैं हम। अब मैं आपको सिखाता हूं कि चढ़ते कैसे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बचाना है, भाई पहले तो आप अपनी जिंदगी बचाएंगे ना, उसके बाद किसी और की जिंदगी बचाएंगे। इसकी तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, सही है, इतनी ट्रिक्स होती हैं कि आप सोच के भी ना बोलेंगे यार इतनी सारी ट्रिक्स। बहुत सारी आसान आसान ट्रिक भी होती हैं, बहुत सारी मुश्किल भी होती हैं। अच्छा बनिस्बत चढ़ना ज्यादा मुश्किल है, उतरना ज्यादा आसान है। उतरने में बस आपको ग्रिप बनानी है और बस इस तरीके से रस्सी को फंसाना है और ऐसे ही नीचे आ जाना है। अच्छा आज जो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, वो मैं सिखा रहा हूँ चढ़ना, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रिप कैसे बनानी है। देखें ग्रिप कैसे बनानी है, भाई एक ग्रिप ये होती है, ये नॉर्मल ग्रिप है जो आप पकड़ते हैं, सही है। हमें ग्रिप बनानी है पूरी ये इस तरीके से, ये जैसे पुलअप मारते हैं ना, पुलअप में क्या होता है बिल्कुल यूं यूं करके चढ़ना पड़ता है। हमें ग्रिप बनानी है बिल्कुल ये 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 ग्रिप बनानी है ये इस तरीके से, और पूरी ग्रिप बना के फिर ऊपर चढ़ना है। और एक बात बताऊँ आपको मैं, अब बहुत सारे लोग होते हैं उनसे पुलअप ही नहीं लगते, गधे हैं वो लोग। मैं कहता हूँ पुलअप ही नहीं लग रहा भाई, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो पुलअप वुलअप मारनी है आपको, एक्सरसाइजेस करनी है, वो मैं बताऊंगा इसके बाद। अब देखें चढ़ना कैसे, देखें एक दफा मैं आपको चढ़ के दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें ना तो ये एक मंजिल है, ये देखें पूरा पूरा ना एक मंजिल के करीब है, और अब मैं आपको चढ़ के दिखा, मेरी आप एक दफा ग्रिप भी देखेगा कि मैं किस तरीके से चढ़ रहा हूँ। ये ग्रिप बनाई मैंने, ये ग्रिप ऐसे 1 2 3 बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ले, समझ ले अपनी आपको जिंदगी बचानी है आपको अपनी। मैं एक मंजिला चढ़ने वाला हूँ, सही है। देखें यहां पे मैंने कर लिया होल्ड और अब मैं आऊंगा नीचे, सही है। देखें मैं नीचे किस तरीके से आया। अब ये चढ़ना आसान नहीं है, आसान नहीं है, मैं अपने लफ्जों में भी कहूँ, मेरी भी हालत खराब होती है, मेरी भी फटती है, मैं भी इंसान हूँ कोई हैवान नहीं हूँ, तो चढ़ना आसान नहीं है, मुश्किल है। मगर आप इसको आसान बना सकते हैं एक्सरसाइजेस से, अपनी मसल एक्टिविटी से, स्ट्रांगनेस से आप अपने आप को आसान बना सकते हैं रस्सी पर चढ़ना भी। जैसे मैं चढ़ा, ये तकरीबन ना एक मंजिल है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ, ये तो मैं चले आपने मैं चढ़ के बता दिया, अब मैं आपको एक नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ आसान ट्रिक। इधर लाएं, जब हम चढ़ते हैं ना तो हम इस रस्सी के अंदर ऐसी गिठाएं बांध लें कि जिससे आप अपनी जिंदगी को सेव कर सकें। अब जैसे मैं एक कोई गिठा बांधूंगा, ये जैसे ये एक गिठा बांधी, फिर इसके आगे एक और गिठा बांधी, इसमें क्या होता है हमें स्टे करने का वक्त मिल जाता है ना। सीढ़ी होती है इस तरीके से, जैसे हमने ना ग्रिप बना ली, इसी तरीके से हम इसको एक और दफा रोल करेंगे और एक और दफा यहाँ पे ग्रिप बना लेंगे। अब जैसे हमने एक और ग्रिप बना ली, मतलब बीच बीच में हमने ग्रिप बनानी है, बन नहीं रही अभी सही, ये फुर्सत से नहीं, समझ रहे ना, फुर्सत से बनती है, इतना टाइम होना चाहिए आपके पास कि भाई आग यहां तक पहुंचे ना। जैसे जैसे आप चढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे भी आप बांध सकते हैं ग्रिप को, इतना मुश्किल नहीं है। अब हमें देखें करना क्या है, ये ग्रिप बन गई, मैं चढ़ाऊं वो टाइटैनिक होता इधर लाएं करीब लाएं। भाई ये देखें ये मैंने ग्रिप बनाई हुई है और मैं यहां पे अटका हूं, अब मुझे सांस लेने का वक्त मिल जाएगा, मुझे सांस लेने का टाइम मिल जाएगा। ये इस तरीके से ना आपने ग्रिप बना ली, और आप इसको जब परफॉर्म करेंगे ना, जब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो आप बीच में रुक भी सकते हैं, अपनी सांस को बहाल कर सकते हैं, थोड़ी सी पावर दोबारा से एनर्जी को दोबारा बढ़ा सकते हैं और फिर ऊपर चढ़ेंगे। अब एक दफ़ा और मैं करके दिखाता हूँ, ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
फट गई बीड़ू, फट गई, समझ रहे हैं ना कैसे करना है। और जब सांस फूला करे तो नाक से सांस लेनी। अब मैं इसकी कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ कि वो अगर आप परफॉर्म करेंगे तो अपनी एनर्जी को दोबारा से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलें एक्सरसाइज की तरफ। भाई एक तो सबसे पहले आपको पुशअप्स तो लाजमी आनी चाहिए। और पुशअप्स कितनी? कम से कम 50। और इस तरीके से पूरी ये होती है पुशअप्स। ये पूरा नीचे जाना है, पूरा ऊपर उठना है। एक वो जो हम मारते हैं ना 90 डिग्री पुशअप्स, वो भी पुशअप्स होती है, मगर वो एक अलग कैटेगरी है उसकी। उसके ऊपर किसी दिन और हम वीडियो बनाएंगे। ये होती है पुशअप्स पूरी, फुल नीचे जाना है और फुल ऊपर उठना है। एक एक्सरसाइज ये हो गई अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पूरा यहाँ से सामने से गंदा हो गया, सही है। अपने हाथों को, आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक्सरसाइज हो गई। और एक दूसरी एक्सरसाइज देखें कौन सी है। हम पुलअप मारते हैं ना, हम पुलअप कैसे मारते हैं? हम इस तरीके से पुलअप मारते हैं, ये हमें इस तरीके से पुलअप नहीं मारना। हमें पुलअप मारना है क्योंकि रस्सी पे चढ़ना है ना, इस तरीके से भी मारना है पुलअप, मगर इसके कम से कम आपको 20 तो आने चाहिए। 20, 35, 30 इतने पुलअप्स तो कम से कम आपको मारने चाहिए जब आपके अंदर इतना स्टेमिना होगा कि भाई आप रस्सी पे चढ़ सकें। क्योंकि आसान नहीं होता अपनी पूरी बॉडी का वजन। मेरा वजन जो है तकरीबन 98 kg है, 98 kg का लग रहा हूँ आपको मैं कहीं से, अंडे शंडे खैर मैं जिम नहीं जाता भाई। जिम इंशाल्लाह मैंने सोचा है, आप लोग कमेंट में बताएं कि शायद हो सकता है आपको जिम का कंटेंट पसंद हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि जिम भी स्टार्ट करूं और उसमें मेरा फर्स्ट डे होगा। मैं जिम नहीं करता मगर पता सब है कि क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो कोशिश करते हैं कि जिम का भी कंटेंट बनाएं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग बोलते हैं तो जिम का कंटेंट बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा पुलअप देखते हैं कैसे मारना है। हमें पुलअप मारना है अंडर आर्म, इस तरीके से ऐसे पकड़ना है पुलअप को, ये पोजीशन होगी हमारी और ये ऊपर जाना है, ये हर एक्सरसाइज से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। क्योंकि अल्लाह का नाम जो होता है ना, शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्योंकि अल्लाह ताला फिर आपको बूस्टअप देता है, अल्लाह ताला हिम्मत देता है आपको। जब आप सोचें किसी की ज़िंदगी बचानी ना, कितना बड़ा काम है। अगर आपने किसी एक की ज़िंदगी बचाई ना, समझ लें आपने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। अगर किसी एक इंसान का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया, समझ रहे ना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी चीज़ बताऊँ सर्वाइवल की कि जिससे आप अपने आप को भी सर्वाइव कर सकें, दूसरे को भी। एक बच्चा है छोटा, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, एक हम बच्चा किसी और को बनाते हैं जल्दी से, समझ लें ये एक बच्चा है, सही है। ये तो शायद काफ़ी टाइट शर्ट है, हमने बच्चे को अंदर डाला अजीब सा लग रहा है, हमने बच्चे को शर्ट के अंदर डाला और उसका मुँह यहाँ से बाहर निकाल लिया, इस जगह से गर्दन के पास से। अब हमें चढ़ना है ऊपर, इसके ऊपर, समझ लें एक दीवार है। अगर उस दीवार के ऊपर हम नहीं चढ़ पाए तो पीछे से हमें डॉग हमला कर देंगे, हम पे कुत्ते हमला कर देंगे, कोई ऐसा जानवर है जो हम पे हमला कर देगा। अब हमें फौरन से बेहतर हमें ऊपर चढ़ना है। ये देखें अब मैं चढ़ूंगा, भागता हुआ गया मैं, एक दीवार है सोचें, एक काफ़ी ऊपर है, 7 feet या उससे भी ज़्यादा, हम भागते हुए जाएंगे ऐसे। ये बच्चा देखें मेरे यहाँ पे, अब देखें मैं दीवार के ऊपर आ गया, मगर अभी भी बच्चे को मैंने सेव रखा हुआ है। तो कोशिश करनी है कि अपने आप को बचाते साथ किसी और की ज़िंदगी भी बचाएं। पुलअप्स हो गई, पुशअप्स हो गई और दीगर एक्सरसाइजेज हो गई, फिट होना तो इसमें लाजमी है। अगर आप फिट नहीं होंगे, आपका पेट निकला होगा जो 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत होती है उसकी तरह, तो समझ लें ये करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा क्या, बहुत मुश्किल होगा। तो अपने पेटों को कम करें, ऐसे करके फैट को बाहर निकालें और ऐसे। पर ये बच्चा था, मतलब अपने फैट को कम करें यार, अब तो होश के नाखून ले लें, अभी तो जंग भी होने वाली है, उसमें भी शामिल होना है। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह।